असलम लिपिड और फैटी एसिड हैं तो इनको भी हमने मुखलिफ़ बुक से पढ़ना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिपन कार्ड ओपन कर लें लिपन कार्ड चैप्टर सिक्सटीन ठीक है इस लिपन कार्ड के चैप्टर सिक्सटीन के अंदर आपने ओवरव्यू करना है उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड ठीक है ये टॉपिक करना है इससे ऑनवर्ड सैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड है ठीक है ये टॉपिक भी करना है चेन लेंथ ऑफ फैटी एसिड ठीक है ये टॉपिक करना है उसके अलावा यहाँ पे ये पैराग्राफ यहाँ पर यह टेबल है ठीक है ये टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है इस टेबल को करना है इसेंशियल फैटी एसिड का कर टॉपिक करना है इससे ऑनवर्ड जो टॉपिक्स हैं हैंशियल फैटी एसिड की सिंथेसिस जो है ये नहीं करनी इसी चैप्टर सिक्सटीन के लास्ट में टॉपिक है कीटोन बॉडीज़ का ठीक है कीटोन बॉडीज़ एंड अल्टरनेट फ्यूल फॉर सेल्स ठीक है ये टॉपिक करना है उसके बाद जो नेक्स्ट सिंथेसिस है कीटोन बॉडीज़ की वो टॉपिक नहीं करना और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का प्रोडक्शन ऑफ किटोन बॉडीज इन डायबिटीज ठीक है ये टॉपिक है करना है नेक्स्ट चैप्टर सेवनटीन पे आ जाए ठीक है चैप्टर सेवनटीन में अवर व्यू ऑफ फास्टफोलिपर ठीक है यहाँ से स्टार्ट करना है इसी ऑन वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ फास्टफोलिपर्ड फास्ट फोिपट की उसके बाद यहाँ पे क्लासिफिकेशन दी हुई है ग्लाइसिलो फास्टफोलिपर्ड है उसके डिफरेंट टाइप दी हुई हैं ठीक है कार्डियोलिपन है प्लाज्मा प्लाजो प्लाज्मा ठीक है ये सारे टॉपिक जो है करने हैं प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर और स्पिंगोमाइलिन

और इसका सिंगल ट्रांसडक्शन के अंदर रोल है ठीक है ये टॉपिक जो है करने हैं उसके बाद ये जो डायग्राम है इस डायग्राम के स्टेप्स को भी देखना है और इसको समझ कर करना है इसे ऑनवर्ड मूव करें तो रोल ऑफ पी आई इन में प्रोटीन एंकरिंग ठीक है ये टॉपिक भी करना है इससे ऑनवर्ड जो है वो नहीं करना उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट फॉलाई पेज ए टू फर्स्ट फॉलाई पेज ए वन फर्स्ट वालाई पेज डी फर्स्ट वालाई पेज सी ठीक है ये करना है उसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो आवर व्यू ऑफ ग्लाइकोलिपर्ड्स ठीक है ये टॉपिक जो है करना है से ऑन वर्ल्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोलिपर्ड्स न्यूट्रल ग्लाइकोसपिंगोलिपर्ड ठीक है उसके बाद यहाँ पे एस डी ग्लाइकोसपिंगोलिपर्ड गेंगलियोसाइड्स ठीक है इसके ऊपर नेक्स्ट टॉपिक है सल्फाटाइड्स ये टॉपिक करना है सिंथसिस जो है आगे अगेन नहीं करनी नेक्स्ट पेज टू थर्टीन पर आ जाए इसी चैप्टर के तो लास्ट में ये टॉपिक है प्रोस्टाग्लैंड एंड रिलेटेड कंपाउंड्स ठीक है ये ये जो टॉपिक है चैप्टर का ये करना है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है सिंथेसिस इसकी भी अभी करनी है सिंथी पी जी एच टू आइसोजाइम्स एंड पी जी एच सिंथेस ठीक है ये टॉपिक करने हैं उसके बाद इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस प्रोस्टाग्लैंड ऑफ लिकोट्राइन्स ये टॉपिक सारे करने हैं रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंड प्लेटलेट होमियोस्टिस उसके बाद यहाँ पे ये यह जो फिगर है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसको डिटेल से करना है इसकी एक एक चीज़ जो है अच्छे तरीके से करनी है यहाँ पे डिफरेंट जो डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं ये सारे जो हैं अच्छे तरीके से करने हैं ठीक है तो इन ए टूस्टा साइल पी जी आई टू, टू ये सारे जो हैं अच्छे तरीके से करने हैं यहाँ पे आइसप्रीन का जो रोल है ये भी दिया हुआ है ये डायग्राम जो है ये भी करनी है अच्छे तरीके से इसके बाद चैप्टर रूटीन पे आ जाए कोलेस्ट्रोल एंड स्टेरॉइड मेटाबोलिज्म इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रोल जो है ये करना है और ये ड्रा करना भी आना चाहिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है स्टेरोल्स के हैं ठीक है, है। सीटोस्टीरोल्स के बाद कोलेस्ट्रॉल स्टडी ये करना है और ये स्ट्रक्चर जो है ये ज़रूर करना है वेरी इंपॉर्टेंट है लेकिन ऑफ कोलेस्ट्रोल ये नहीं करनी ये सिलेबस का पार्ट नहीं है इसके बाद चैप्टर एटीन के ही टू ट्वेंटी फोर पेज पर आ जाएँ तो यहाँ पर टॉपिक है बाइल एसिड एंड बाइल साल्ट ठीक है इसी ऑनवर टॉपिक करने हैं स्ट्रक्चर ऑफ बाइल एसिड ठीक है उसके बाद सिंथिस ऑफ बाइल एसिड इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हैं सिंथिस ऑफ बाइल साल्ट एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल ऑन बाइल सॉल्ट ठीक है उसके बाद एंटेरोफेटिक सर्कुलेशन नेक्स्ट आगे स्टोन्स हैं गार्ल स्टोन्स बाइल साल्ट डेफिशेंसी कोथिस ये टॉपिक करना है उसके बाद प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स ये भी टॉपिक जो है कंप्लीट करना है कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा लिपोप्रोटीन साइज एंड डेंसिटी उसके बाद यहाँ पे टॉपिक है हैोटीन्स का ठीक है ये टॉपिक हैं है मेटाबॉलिज्म जो है इनका या सिंथेसिस ये नहीं करनी इसके बाद न्यूट्रिशन का चैप्टर है चैप्टर ट्वेंटी सेवन ठीक है इसके अंदर डाइटरी फैट्स हैं ठीक है ये जो है इसे ऑनवर्ड जितना भी ये पोर्शन है ये अच्छे तरीके से करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर खासतौर पे सेचूरेटिड फैट उसके बाद ट्रांस फैटी एसिड हैं मोनॉनसेचुरीट फैटी एसिड है ठीक है, है ये सवाल पूछा जाता है कि इनका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन पर क्या असर होता है और इससे क्रोनरी हार्ट डिजीज का रिस्क जो है बढ़ता है ये कम होता है ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और ये चैप्टर वैसे भी न्यूट्रिशन के अंदर ये कम्प्लीट करना है ठीक है इसके बाद हार्पट चैप्टर ट्वेंटी वन पे आ जाएँ ठीक है पेज नंबर टू थर्टीन पे तो यहाँ पे टेबल है टेबल ट्वेंटी पॉइंट वन ठीक है ये टेबल करना है उसके बाद नेक्स्ट पेज पे टेबल है ट्वेंटी वन पॉइंट टू ये टेबल करना दोनों टेबल अच्छे तरीके से तैयार करने हैं इसके बाद इसी चैप्टर के चैप्टर ट्वेंटी वन के लास्ट पे आ जाएँ पेज टू नाइनटीन पे तो यहाँ पे टॉपिक है लिपिड प्रोडक्ट पर ऑक्सीडेशन इन द सॉर्ट्स ऑफ फ्री रेडिकल्स ठीक है ये टॉपिक करना है डिटेल से कंप्लीट और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एम्थीफेटिक लिपिड और सेल्फ है ये दो टॉपिक्स जो हैं यहाँ से डिटेल से करने हैं इसके बाद चैप्टर ट्वेंटी फाइव आ गए हाथ पर के ठीक है इसके सेकंड पेज पे है टॉपिक लिपोप्रोटीस का ठीक है लिपोप्रोटीन कंस्टाफ नॉन पोलर पोल का ये टॉपिक करना है, है।, है।, यह है यहाँ से उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एपोलिपोप्रोटीन है ये टॉपिक करना इसके अलावा जो प्रोस्टा है उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो हार्पर के लास्ट फोर थ्री फोर पेजेज हैं चैप्टर ट्वेंटी थ्री के ठीक है इनको आप स्टडी कर सकते हैं अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जैसे डेफिशिएंसी डेफिशेंसीपटम जकर वेन एसेंशियल फैटी एसिड और फैटीजेंट ये टॉपिक आप कर लें यहाँ से उसके बाद ये टॉपिक कर लें ठीक है ये टॉपिक जो है आप हार्पर से रीड कर सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए साइकोलॉक्सिड पाथ रिस्पॉन्सिबल फॉरपर सिंथिस इसको रीड कर लें यहाँ पर क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हैं इनके ठीक है इनके नेक्स्ट आगे क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हैं उन क्लिनिकल एस्पेक्ट्स को अच्छे से यहाँ से रीड कर लें तो आपकी जो क्लिनिकल्स पर ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी ठीक है प्रोस्टाग्लेटिट एंड बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंसेस सब्सटांसिसंस लिपॉक्सेंस ठीक है ये लास्ट थ्री फोर पेजेस हैं चैप्टर ट्वेंटी थ्री के हाथ पर से तो आप इनको भी काट लें साथ लिपन काट के तो आपकी ग्रिप पे इस टॉपिक पर काफ़ी अच्छी हो जाएगी इसके बाद सत्या में आ जाए लिपिड्स का चैप्टर है चैप्टर नंबर थ्री ठीक है तो यहाँ से कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ़ लिपिड जो है ये यह यहाँ से करनी है कंप्लीट उसके बाद ऑनवर्ड मूव करें तो यहाँ से फंक्शन ऑफ फंक्शंस ऑफ़ लिपिड जो हैं ये अच्छे से यहाँ से तैयार करने हैं उसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो यहाँ पे टॉपिक है एसेंशियल फैटी एसिड का ठीक है ये एसेंशियल फैटी एसिड जो है यहाँ से अच्छे से तैयार करने हैं उसके बाद आइसोमरिज्म इन अन फैटी एसिड ये तैयार करना है उसके बाद पेज नंबर थर्टी थ्री पे इसी चैप्टर के सत्या के प्रॉपर्टीज़ हैं ट्राईसाइल ग्लास्टोर की ठीक है ये सारी प्रॉपर्टीज़ करनी है उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट हैं वेरियस टेस्ट टू चेक प्योरिटी ऑफ फैट एंड ऑयल्स ठीक है ये सारे टेस्ट करने हैं जिसके अंदर आयोडीन नंबर है ठीक है उसके बाद स्पोनिफिकेशन नंबर है सारे जितने भी टेस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं सारे करने हैं रिचर्ड बिजल नंबर है आर एम नंबर एसड नंबर है ठीक है उसके बाद फास्ट फोली है वो यहाँ से रहने दें ठीक है लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ़ फास्ट ठीक है ये टॉपिक जो है करना है फंक्शन ऑफ फास्ट फॉलीपर्ड टॉपिक करना ये पेज थर्टी सिक्स पे है उसके बाद यहाँ से, यह से और लिपोप्रोटीन जो है ये करने की ज़रूरत नहीं है सत्या के चैप्टर से और यहाँ पे तकरीबन सेकंड लास्ट पेज पे टॉपिक है स्टीराइडस का ठीक है ये यह टॉपिक यहाँ से करना है कंप्लीट इसके अंदर स्ट्रक्चर uh, अक्रेंस ऑफ कलेस्ट्रोल है ठीक है ये पीछे भी uh, मतलब स्ट्रक्चर जो है लिपन कार्ट में भी किया था यहाँ से भी इसको पढ़ लेना है और उसके बाद फंक्शन ऑफ कलेस्ट्रोल ये भी करना है एडगोस्टिरल ये भी करना है यहाँ पर ठीक है उससे ऑनवर्ड यहाँ पे एम्पीफेटिक लिपड्स का टॉपिक है ये ये टॉपिक भी करना है उसके बाद इसके लास्ट पे मेम्ब्रेन बाइलेरस का टॉपिक है और सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हैं ये टॉपिक भी यहाँ से करने हैं तो इस तरह आपका इतना करके आपका जो लिपिड्स का पोर्शन है वो अच्छे से इंशाल्लाह कवर हो जाएगा थैंक यू